कनेक्ट होगी। आईएक्स पर इनका सवाल है, 212 की इनकी खरीदारी है, 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल, आईएक्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से 212 की इनकी खरीदारी ऊंचे स्तर ऊपर है, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ी गिरावट और ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से एक बार 160 तक भी जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है। इनका जो टाइम है वो काफी लंबा रहेगा, मुझे लगता है एटलीस्ट ये दो तीन महीने के पर्सपेक्टिव से अपनी पोजिशन को होल्ड करें। अभी इमीडिएटली 160 के आसपास आने के चांसेस है, लेकिन पोजिशन में बने रहना है, स्टॉप लॉस 140 का रखना है और पहला टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 185 का रहेगा। ओके, बात करेंगे अब अरनी अग्निहोत्री से, पुणे से कनेक्टेड हैं। अरनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं अरनी अग्निहोत्री बोल रहा हूँ पुणे से। मैडम मेरे पास पीएनबी के 4000 शेयर्स हैं 29 के रेट से और समदर मदरसन है 2000 शेयर्स 78 के रेट से। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, मुझे मतलब मैं सोचा हूँ कि इसको प्रॉफिट बुक करा जाए या आगे और बढ़ा जाए। ओके, तो क्या सजेशंस? दोनों स्टॉक्स इनके फायदे की पोजीशंस हैं, प्रॉफिट्स इनको अच्छे मिल रहे हैं स्पेशली पीएनबी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें दोनों ही होल्डिंग्स को या कोई और व्यू आसा? मेरे हिसाब से पीएनबी को होल्ड रख सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ये और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 106 के रहेंगे, सो 106 तक तो यहाँ पे एक चाल हमें दिखा सकता है, काउंटर बने रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म रखते हुए भी मैं एक स्टॉप लॉस तो जरूर दूंगी 84 का। सो 84 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को होल्ड करें, पहला टारगेट रहेगा 106 का और 106 का अगर स्तर पार हुआ तो मुझे लगता है फिर और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आएगी जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 112 के स्तर तक, तो बने रहने की सलाह है। संवर्धना की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि दूसरा सवाल इन्होंने संवर्धना इंटरनेशनल पे बोला था, ये भी काउंटर अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, ये भी तेज रहेगा काउंटर, होल्ड करने की सलाह है। इसमें जो टारगेट्स अभी इनिशियली हमें देखने को मिलेंगे वो 111 तक के रहेंगे, सो संवर्धना में भी बने रहे 111 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस चाहे तो 100 रुपए का रख सकते हैं। हेमकांत हमारे साथ मौजूद है, हेमकांत मुंबई से। हेमकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वो एनआईएलटी शेयर